मित्रों, एडवर्टाइजिंग सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए हमसे संपर्क करें। वर्धमान भवन, पलंदी चौक, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दमोह। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी मूल पार्टी को छोड़कर दूसरे दल की सदस्यता लेने का सिलसिला जारी है, जहां प्रमुख राजनीतिक पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी को अलविदा कहकर या तो दूसरी पार्टी बना ली या अन्य किसी पार्टी में शामिल हो। भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी रहे कवि सिंगई बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। पथरिया विधायक रामबाई सिंह के सामने उन्होंने अपने अनेक साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली। दरअसल कभी भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी रहे कवि सिंगई का एक ऑडियो वायरल होने के बाद पार्टी ने उन्हें पद से हटा दिया था। वहीं कुछ दिनों पहले कवि सिंगई ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वे मंगलवार को बसपा में शामिल हो गए। कवि सिंगई के बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के बाद क्या कुछ कहा पथरिया विधायक रामबाई सिंह ने, आइए सुनते हैं। वो हीरा है हमारे भाई कबीर सिंगई, कबीर सिंगई, कबीर सिंगई जैन भाई साहब, और हमारे भाई इनके ही साथ कार्यकर्ता हैं जे इनके शरद जैन। मैं आज हमारी पार्टी का और हमारी और साथ में सदस्यता ले रहे हैं नवन जैन जी, महेश नामदेव जी, ऐसे इनके साथ इनके समस्त जो सपोर्टर हैं हमारी पार्टी में, इनने सदस्यता ली है और मैं इनकी आभारी हूँ कि इन्होंने मेरा साथ उस समय वो दे रहे हैं जहाँ मुझे जरूरत है। मार्गदर्शन मैं इनसे लेती रहूंगी, क्योंकि सब में बड़ी बात यह है कि इन्हें चुनाव से लेके हर चीज का अनुभव है, हर चीज का। तो मैं आपको अपनी पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप मेरी पार्टी में आए। और दूसरी बात, आज समस्त पत्रकार भाइयों के सामने एक वचन देती हूँ कि आपके साथ सम्मान में, मान में और आपके मार्गदर्शन में, क्योंकि हमें मालूम है, जरूरी नहीं है कि कोई विधायक हो तो संपूर्ण उसे जानकारी हो, हमें ऐसी बहुत सी चीजें जानकारी नहीं है जो आपको हैं, तो आपके मार्गदर्शन की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। आज आपकी आय से हमें अपने जीवन में एक चीज को हल लग रहा हो कि आज हमारे पथरिया विधानसभा में जब चुनाव हुआ है विधानसभा के, तो आप जैसे हीरा, आप जैसे मार्गदर्शक अगर हमारे पार्टी में आए हैं तो हम कहूँ ना कहूँ भाग्यशाली कहने कि हम चुनाव में दम रखत हैं कि हम लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां जो केवल दलित, मजदूर, गरीब, किसान, इनकी बात करती हैं, लेकिन इनके उत्थान की बात केवल उनके वादों तक सीमित रहती है। लेकिन मैंने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी और विशेष तौर पर पथरिया विधानसभा में दलित, गरीब, मजदूर, पिछड़े लोगों के लिए जो कार्य कर रही है, और सबसे महत्वपूर्ण हमारी जनप्रतिनिधि, हमारी क्षेत्र की विधायिका आदरणीय रामबाई सिंह जी की जिस प्रकार की कार्यशैली है कि नेताओं का काम होता है केवल बातें करना, काम को लटकाना, काम को अटकाना, लेकिन जिस प्रकार से कार्यशैली माननीय विधायिका जी की रही है कि कोई गरीब हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे आपकी पार्टी का हो, चाहे ना हो, लेकिन अगर वो इनके दरवाजे पहुंचा है तो उसका काम हुआ है, वो तुरंत ऑन द स्पॉट हुआ है। तो मेरे ख्याल से आज के राजनीतिक परिदृश्य में इस प्रकार के नेता होना चाहिए कि लोगों का काम उनके ही सामने करें, और इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर, और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी आज एक पूंजीपतियों की पार्टी बन के रह गई है। हमारे वार्ड से भी ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया जो बहुत बड़े पूंजीपति हैं,
पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा में लगातार 18 वर्षों तक विभिन्न पदों पर रहा पार्टी में, और मेरे साथ साथ ऐसे कई कार्यकर्ता हैं। मैं कहना चाहता हूं कि निष्ठा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो निष्ठा का सब्र का बांध कब टूट जाए ये भी ध्यान पार्टी और पार्टी के वरिष्ठों को ध्यान रखना चाहिए।